दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको भविष्य में बिजली पैदा करने के लिए उपयोग में लाई जाने वाली कुछ ऐसी तकनीकों और मशीनों के बारे में बताने वाले हैं, जो कि आने वाले समय में बिजली उत्पन्न करने के लिए काफी उपयोगी साबित हो सकते हैं। इस वीडियो में आप जानेंगे कि कैसे छोटी छोटी नहरों और नदियों से भी बिजली पैदा की जा सकती है। तो दोस्तों, वीडियो को आखिर तक पूरा जरूर देखिए, क्योंकि इस वीडियो में आपको काफी सारा ज्ञान भी मिलने वाला है। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो दोस्तों वीडियो को लाइक करके ही जाना। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल ओनर ऑफ थॉट्स हिंदी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन बेल को दबाकर ऑल का ऑप्शन भी जरूर सेलेक्ट करें। ब्लू फ्रीडम। दोस्तों, छोटे से दिखने वाले इस गैजेट का काम देखकर वाकई में आप हैरान हो जाएंगे। दरअसल छोटा सा दिखने वाला ये गैजेट बिजली पैदा करने के लिए एक टरबाइन है, और इसे इस्तेमाल करने के लिए सबसे पहले इसके घूमने वाले भाग को एक तार की मदद से इसके मेन पार्ट से जोड़ दिया जाता है। उसके बाद इस गैजेट को उस जगह पर लगाया जाता है जहां पर बहता हुआ पानी मौजूद हो, जिसके लिए इसके घूमने वाले भाग को पानी के बहाव में रख दिया जाता है, और फिर पानी के बहाव की वजह से ये भाग गोल गोल घूमने लगता है, जिससे इसके अंदर लगा छोटा सा टरबाइन भी घूमने लगता है, और फिर उससे उत्पन्न बिजली को इस गैजेट के मुख्य भाग में पावर बैंक के रूप में इकट्ठा कर लिया जाता है, जिसके बाद आप इस गैजेट में इकट्ठा हुए बिजली को अपने फोन वगैरह को चार्ज करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। हालांकि इस गैजेट की मदद से अधिक मात्रा में बिजली पैदा नहीं की जा सकती, पर अगर आप किसी ऐसी जगह पर हो जहां बिजली उपलब्ध ना हो तो ये गैजेट उन जगहों के लिए काफी उपयोगी साबित होगा। टर्बोलेंट। दोस्तों, इस दुनिया में कुछ जगहें ऐसी भी हैं जहां पर पानी की कोई भी कमी नहीं है, और ऐसी जगहों पर लोग इस तकनीक का इस्तेमाल करके बिजली पैदा करते हैं। और दोस्तों, शायद ही आपने कभी सोचा होगा कि छोटी नदियों और नहरों से भी बिजली बनाई जा सकती है। यहां पर छोटी छोटी नदियों या नहरों का पानी रोककर बिजली पैदा की जाती है, और इस तकनीक में सबसे पहले छोटी नदी या नहर के बगल से एक पतली नाली बनाई जाती है, और उस नाली का आकार कुछ इस तरह से होता है कि जब उसमें पानी को खोला जाए तो पतला रास्ता होने की वजह से पानी की गति तेज हो जाए, साथ ही पानी गोल गोल घूमते हुए नीचे गिरे। उसके बाद उस जगह पर एक छोटे टरबाइन को लगा दिया जाता है, जिससे कि बिजली बनाई जा सके, और फिर जब पानी उस पतले रास्ते से होता हुआ तेज गति से गोल घूमते हुए उस टरबाइन पर गिरता है तो वो टरबाइन पानी के तेज बहाव के कारण अपने आप ही घूमने लगता है, और फिर उस घूमते हुए टरबाइन की मदद से बिजली पैदा की जाती है। इस तकनीक का इस्तेमाल अब बड़ी बड़ी नदियों के बहते पानी से बिजली पैदा करने के लिए किया जा रहा है। विंड वर्ल्ड हाइड्रो पावर। दोस्तों, इस तकनीक का इस्तेमाल भी नदियों के बहते हुए पानी से बिजली पैदा करने के लिए किया जाता है, जिसके लिए सबसे पहले नदी के किनारे से एक पतली नाली बनाई जाती है, जिससे पतला रास्ता होने की वजह से पानी का बहाव तेज हो जाता है, और फिर उस जगह पर टरबाइन को लगा दिया जाता है, और पानी के तेज बहाव होने की वजह से वो टरबाइन गोल गोल घूमने लगता है, जिससे बिजली पैदा की जाती है। दोस्तों, इस तकनीक की मदद से छोटे स्तर पर ही पर पर्याप्त मात्रा में बिजली बनाई जाती है। वेव स्टार एनर्जी। दोस्तों, इस अनोखी मशीन का इस्तेमाल समुद्र की लहरों से बिजली उत्पन्न करने के लिए किया जाता है। इस विशालकाय दिखने वाली मशीन को समुद्र तट के पास ही अधिक गहरे पानी के ऊपर टिका दिया जाता है, और फिर जब समुद्र में तेज लहरें उठती हैं, तो इस मशीन में लगे ये भाग लहरों की वजह से ऊपर नीचे होने लगते हैं, और फिर जैसे जैसे ये सांचे ऊपर नीचे होते हैं वैसे ही उसके अंदर लगे टरबाइन भी घूमने लगते हैं, जिनसे बिजली बनना शुरू हो जाती है। इस तकनीक का इस्तेमाल सबसे ज्यादा तब किया जाता है जब समुद्र की लहरें काफी तेज होती हैं, जिससे मशीन में लगे ये पार्ट तेजी के साथ ऊपर नीचे होने लगते हैं, जिससे कम समय में और अधिक मात्रा में बिजली पैदा की जा सकती है। वॉइट। दोस्तों, अभी तक समुद्र से बिजली पैदा करने के लिए कई सारे बड़े बड़े आविष्कार हो चुके हैं, और उन्हीं में से एक शानदार आविष्कार के बारे में हम आपको बताने वाले हैं। इस तकनीक में समुद्र के पानी में लगातार लहरों की उथल पुथल से और उन लहरों के लगातार किनारों से टकराते रहने से बिजली उत्पन्न करने का काम किया जाता है,
और समुद्र की इन लहरों से बिजली उत्पन्न करने के लिए सबसे पहले किनारों पर कंक्रीट का एक बेहद ठोस खोखला ढांचा बनाया जाता है, जिसके ठीक नीचे से पानी की लहरें अंदर आती रहती हैं और उसमें आगे की तरफ एक टरबाइन को लगा दिया जाता है। फिर जब समुद्र की तेज ऊंची उठती लहरें इस बनाए गए ढांचे के निचले भाग से अंदर जाती हैं, तो तेज हवा का दबाव बनता है और जिसकी वजह से उसके अंदर लगा टरबाइन तेजी से घूमने लगता है, जिसके बाद बिजली बनना शुरू हो जाता है। दोस्तों, ये तकनीक देखने में बेहद आसान तो है ही, साथ ही इसके रखरखाव में खर्चा भी काफी कम आता है। स्वेल वेबलाइन मैग्नेट। दोस्तों, बिजली पैदा करने की ये तकनीक भी कमाल की है। यहाँ आप देख सकते हैं कि इस अजीब से दिखने वाले लंबे डिवाइस की टेस्टिंग की जा रही है। पानी के ऊपर तैरते हुए प्लास्टिक के इन सांचों को एक दूसरे के साथ अटैच किया गया होता है, जिसके बाद इस पानी में कृत्रिम रूप से लहरें पैदा की जाती हैं और इन कृत्रिम लहरों को समुद्र की लहरों के हिसाब से ही इस डिवाइस के काम को जांचने के लिए इस तरह से उत्पन्न किया जाता है, क्योंकि जैसे जैसे ये लहरें ऊपर नीचे होती हैं, वैसे ही इन प्लास्टिक के सांचों में लगे एक दूसरे के साथ जुड़े हुए छोटे छोटे सांचे बिजली पैदा करना शुरू कर देते हैं और फिर इनके द्वारा पैदा की गई बिजली को सांचों में लगे तार की मदद से नियंत्रित किया जाता है। हालांकि इस तकनीक का इस्तेमाल अभी पूरी तरह से नहीं किया जा रहा है, पर अगर ये आविष्कार सफल होता है तो आने वाले समय में इस तकनीक के माध्यम से पर्याप्त मात्रा में बिजली पैदा की जा सकेगी। एंड्रिज हाइड्रो टर्बाइन। दोस्तों, इस तरीके में भी बिजली उत्पन्न करने के लिए पानी के तेज बहाव का होना बेहद जरूरी होता है और ऐसे में कुछ इस तरह के बिजली के प्लांट उन जगहों पर लगाए जाते हैं जहां पर पानी काफी ऊंचाई से नीचे गिर रहा हो। और इसका सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि जिन जगहों पर बांध बनाकर बिजली पैदा करना संभव नहीं होता, उन जगहों पर कुछ इस तरह से पाइप के द्वारा तेज बहते हुए पानी को टरबाइन तक पहुंचाया जाता है, जिससे टरबाइन घूमने लगता है और बिजली पैदा होना शुरू हो जाती है। जिसे बाद में लोगों की जरूरतों को पूरा करने के लिए इस्तेमाल में लाया जाता है। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करें और ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में लिखकर जरूर बताएं। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल ओनर ऑफ थॉट्स हिंदी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन करना भी बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।